जैसा बोलूंगी वैसा करेगा? अब प्रीत तो जान देने के लिए भी बोलेगी ना तो दे दूंगा, मांग के देख ले। तेरी जान लेकर मैंने कैसे जिंदा रहना है? और मुझे भी यकीन हो गया कि मेरा बेटा मेरे पास आ गया है। मुझे तुझमें वो पहले वाला हरवन नजर आ रहा है। सुन, मुझे तेरी जान नहीं, तेरी खुशी चाहिए। आजा पुत्र, बाहर आ। अचानक मैंने बुलवाया इसे। माई का ब्याह तेरे साथ तय कर दिया है। और आज शाम को सगाई है। ठीक है प्रीतो, पर ये सब करने की इतनी जल्दी क्या थी? मुझे बता तो देती। क्यों बताती? अभी तो कह रहा था जैसा कहूंगी वैसा करेगा, जान भी देगा, तो क्यों बताऊं? हाँ तो प्रीतो, मैंने मना किया मैंने नहीं ना, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इतनी सब जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे, और तू सोचना प्रीतो लोग क्या कहेंगे, मेरी दूसरी शादी। ओ दूसरी ना है, पहली है, समझ गया? मैं उस शादी को नहीं मानती, शादी यही है, तू भी ये समझ ले। वो शादी नहीं थी। और तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना, मैं ऐसा मैं देख लूंगी। आज रात को सगाई है, तू बस सगाई की तैयारी कर। नमस्ते पितू मैडम जी, कपड़े ले आया हूँ। ओ आइए आइए, आप ही का इंतजार था, देर कर दी, और जल्दी आओ। सुन पुत्र, ये मास्टर कपड़े लाया है तेरे, सब तेरे नाप के हैं, जो तुझे पसंद है तू वही पहन। नजर ना लगे, कितना सोना लग रहा है। और रुक, माही किथे रह गई? अब आ रही होगी जी। शनु, इसका तो रूप ही बदल गया, सुंदर लग रही है ना।
जोड़ी अच्छी लगेगी तुम दोनों की। चलो अंगूठी ले लाइ। अंगूठी पहना दे माय। हरमन हाथ आगे बढ़ा। पहना दे। अब तो पहना दे। चल पहना। हरमन अंगूठी पहनाओ पुत्र। वो की सोच रहा है? सौम्या की याद क्यों आ रही है? देख तो छोटी, आज मेरी सोमू कितनी निश्चिंत होकर सो रही है। पता नहीं इतने दिनों कहां रही होगी, कैसे रही होगी, ठीक से सोई होगी कि नहीं, आखिरी बार इसे अच्छी नींद कब मिली होगी। तभी तो आज अपने घर के बिस्तर पर कितनी चैन की नींद सो रही है। मम्मी अब भी आ गए हैं ना? अब एक मिनट के लिए नहीं छोड़ेंगे इन्हें, हमेशा इनके पास रहेंगे। हरमन ओए, आज की तारीख में ही अंगूठी पहनानी है। चल हरमन। हरमन तेरी जिंदगी से बहुत दूर चला गया है, अब धीरे धीरे करके उसे अपने सपनों से भी दूर कर दे। ले आ विद्या। लो हरमन, अपने हाथों से माही को मिठाई खिलाओ। माही बता, तुम भी मिठाई खिलाओ हरमन को।
कुछ दोनों एक साथ तो इकट्ठे हो जाओगे यार भी नहीं मंगेतर के साथ एक फोटो शूट हो जाए और स्माइल स्माइल करो भाई ओ एक मिनट वाह भी वाह कितनी सोनी लग रही देखो हाँ देखो कितनी सुंदर लग रहे हैं क्या हुआ मुझे भी नहीं बताओगे कुछ दिन हमसे दूर रहे तो इतना पराया कर दिया नहीं ऐसी बात नहीं है छोटी वो बस हरमन जी की बहुत याद आ रही है बस इतनी सी बात के लिए आपने नींदें उड़ा रखी है अपनी आपकी छोटी किस दिन काम आएगी बात करने का मन कर रहा है ना जीजू से अभी आपकी बात करवा देते हैं एक मिनट छोटी ये कौन सा टाइम है किसी को फोन करने का टाइम देखा पुत्र कितनी देर हो गई है ऐसे किसी को रात को तंग थोड़ी ना करते हैं सो तुझे नींद नहीं आ रही ना चल मैं तुझे लोरी गा के सुनाती हूँ नींद आ जाएगी आगे देखो पीछे देखो दाएं देखो बाएं गई कहाँ ये राजकुमारी इसको ढूंढो आए बहलू से है भागे देखो सो दीवारे लांग कर ढूंढो पकड़ो सो रही है कैसे चादर तान कर गुलाबो घर आकर भूल गई मुझे अब तो याद भी नहीं आती तुम्हें मेरी इतने जतन के बाद आज मैं अपनों के बीच वापस आ गई हूँ और अभी भी मुझे एक अधूरापन सता रहा है वो अधूरापन जो सिर्फ और सिर्फ हरमन जी के साथ रहकर मुझे पूरा लग सकता है Thank you.
ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, गर्मा गर्म स्पेशल चाय, बिल्कुल आप ही की तरह है, हॉट एंड स्वीट। ये आपकी देर तक सोने की आदत अभी भी नहीं गई ना, कोई बात नहीं जी, आपको नहीं उठना है मत उठो, मैं भी सो जाती हूँ। वैसे ये अच्छा रहेगा, मियाँ बीवी दोनों देर तक सोएंगे और सास ससुर बेचारे भूखे रहेंगे। मेरा क्या है, मैं तो वही करूंगी ना जैसा मेरा पति करेगा। अब बेटा ही ऐसा है तो सास को बहू से कैसी शिकायत। तुम्हारा दिमाग खराब है, हम बचपन वाले हरमन और माही नहीं है, कुछ तो शर्म करो। और हाँ, मैं देर तक सोता हूं और आगे भी देर तक ही सोऊंगा, जब तक मैं खुद ना उठू मुझे उठाने की जरूरत नहीं, समझी। ओहो, आप ना बात बात पे नाक फुला लेते हैं, बट यू नो हरमन जी ये गुस्सा ना अब आप पे काफी सूट करता है, एकदम हैंडसम एंड हॉट पंजाबी मुंडे लगते हो आप। लेकिन हरमन जी मैं तो भी बड़ी नहीं हूँ, एक बार मेरी आपसे शादी हो जाए फिर मैं भी बड़ी हो जाऊंगी, लेकिन हाँ तब तक मेरे मन में जो भी आएगा ना मैं वही करूंगी। ये टशन ना किसी और को दिखाइएगा, अभी चुपचाप आप ये चाय पीजिए और बताइए कैसी बनी। वो क्या है ना हरमन जी, मैंने अपने हाथों से बनाई आपके लिए, इसमें मेरा प्यार मिला है। और हाँ, लास्ट का सिर छोड़ देना, वो कहते हैं ना झूठा पीने से प्यार बढ़ता है। हरमन, माही, नीचे आ जाओ, पंडित जी आए हैं। जी मम्मी जी, आते हैं। चलिए चलिए पीजिए। मैं माफी चाहता हूँ आपको, मैंने डिस्टर्ब किया, आप यहाँ से निकालिए कुछ ऐसा हिसाब किताब की मुहूर्त जो है वो जल्द से जल्द का होना चाहिए, और लग्न नक्षत्र ऐसा कुछ कटी कि हमारे बेटे की जिंदगी में खुशियाँ फिर से लौट आए, हमारे घर की खुशियाँ लौट आए, मेरे और मेरी प्रीत के ना गोद में पोते पोतियाँ। ये आपके बेटे का पहला विवाह है ना? ओ हाँ जी, वो पहला ही है। ओ आजा बैठ, कितनी सोनी जोड़ी लग रही है ना? और अब बुरी नजर से बचा कर रखें। मैं क्या पंडित जी, छेती से कोई अच्छा मुहूर्त निकाल दो, मैंने तो बस अभी अपने पुत्र को घोड़ी चढ़ते देखना है। जी वही देख रहा हूँ। आ गया पुत्र, आ गया, आ जाए। अरे बाप रे बाप, बस ओ थकिया। ओ बेबे, सुरभि की ब्याह की तैयारी करते करते इस बात का एहसास हो गया कि कुड़ी का प्यो किसी मजदूर से कम नहीं, कितना सारा काम कर दिया, जान निकल गई लेकिन अभी भी कितना सारा काम बाकी है। मनिंदर,
कन्यादान करना ना बड़े पुण्य का काम होता है। हर किसी के नसीब विच नहीं होता। अब इतने बड़े पुण्य के लिए थोड़ी सी मेहनत कर ले पुत्र। करी तो रहा हूं बेबे, करी तो रहा हूं। अरे कोई पानी पिलाएगा? आपका टिफिन मैंने खुद पैक किया है। पलट! नहीं चाहिए मैंने। थोड़ा गिर गया। देखना पापा, एक दिन ऐसा आएगा जब आप तरस जाओगे कि सुमति खुद अपने हाथों से आपको पानी पिलाए। अति सुंदर, बस ये मान लीजिए कि ऐसे ही नक्षत्र में इंद्रदेव का विवाह हुआ था। ऐसे ही नक्षत्र में जो मुहूर्त बन रहा है उनमें आपके बेटे की शादी का संयोग बन रहा है और वो मुहूर्त कल का है। लगी तो नीना? नहीं, पर मेरी चूड़ियां टूट गई छोटी। कोई बात नहीं दी, मैं आपको और ला दूंगी। नहीं छोटी, तू समझ नहीं रही है, ये चूड़ियां सुहाग की निशानी होती है। हरमन जी को कहीं कुछ हो तो नहीं गया? छोटी फोन लगाना हरमन जी को, मेरी बात करवाना प्लीज। उसकी कोई जरूरत नहीं सोमू, उससे कुछ नहीं होगा। वो जहाँ भी है एकदम ठीक है। और सोमो, जैसे तेरे परिवार वाले तेरे साथ हैं, वैसे वो भी अकेला नहीं है पुत्र। उसके परिवार वाले उसे कुछ नहीं होने देंगे, तू चिंता ना कर। छोटी चल मेरे साथ। हाँ, ओ ठीक है, कल ही ब्याह रख लेते हैं।
हाँ कल कर लेते हैं। कल? कल यार प्रीतो, इतनी क्या जल्दी है तुझे मेरी शादी कराने की? बात तो सही है, इतनी शॉर्ट नोटिस पे शादी, मतलब गेस्ट भी कम आएंगे, जितने कम गेस्ट होंगे हरक सिंह की उतनी कम बेइज्जती। नहीं नहीं, ये शादी कल नहीं हो सकती। ओ, ओ हाँ मामी जी, हरमन बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल के कल ब्याह कैसे हो सकता है? और एक गल दसो मैनू, इतनी छेती पूरे पिंड को इनविटेशन कैसे करेंगे, और ये खाने पीने की अरेंजमेंट और ये शादी का अरेंजमेंट, इतना छेती कैसे हो सकता है? थोड़ा तो वक्त चाहिए ना। और कुछ नहीं, और कोई वक्त नहीं चाहिए, और किसी को नहीं बुलाना है, सिर्फ घर वाले होंगे और पंडित जी होंगे, वो आंगन में मंडप बना लेंगे, शादी करवा लेंगे, वो नहीं बुलाना है किसी को, तभी तो वीरन के ससुराल से पंडित जी को बुलाया, वो बाद में सही वक्त देख के समाज में भी लोगों को बता देंगे, वो अभी किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं।